In this video, you will be able to learn how you can install the CodeBlock software, where you can type and execute your C program. So you open google.com, type the CodeBlock and press the enter. So you will see this option, CodeBlock. So you click on the download file. Once you click on the download, you will be able to download the CodeBlock software. So I am clicking here CodeBlock. Okay, so we are clicking here in the CodeBlock option. So it will show some this page. So how we will download? You can see this, there is an option for the download. So once you click on this download button, you will see this option. So download the binary release. So once you click here, you will get the option. जैसे कि आपको कहाँ install करना है code block, Linux में install करना है कि Windows में. So Windows 10 के लिए ये option है. Once you click here, आप यहाँ click करेंगे तो आपको ये different आपको setup मिल जाएगा. ठीक है. और download from कहाँ से download करना चाहते हैं. So once you click, your download file will be started. आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ डाउनलोड फ्रॉम किसी पर, सो आपका डाउनलोड फाइल स्टार्ट हो जाएगा. आप डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में देखेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे. सो सी हियर, जैसे आप डाउनलोड सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन देगा. सो आप ऐसा नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देन आई एग्री क्लिक करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे. सो ये अपने आप पाथ सेट कर लेगा सी फोल्डर का, एंड देन इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे. सो ये इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से, इंस्टॉलिंग द CodeBlock, CodeBlocks इंस्टॉलेशन. सो दिस इंस्टॉलिंग, एंड नाउ डू यू वांट टू रन CodeBlock नाउ. अभी आप CodeBlock को रन करना चाहते हैं? यस नो. सो आप यस पर क्लिक करेंगे. सो वंस यू इंस्टॉल द CodeBlock, यू विल गेट इंटरफेस लाइक दिस. जब आप CodeBlock इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा. सो इसमें आपको प्रोग्राम टाइप करना है और पहले कंपाइल करना है, फिर रन करना है. तो कैसे आप प्रोग्राम टाइप करेंगे? सो देखिए, यहाँ पहले फाइल पर क्लिक करेंगे. देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन है, बहुत सारे यहाँ ऑप्शन है, व्यू, सर्च. तो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ. जैसे फाइल है, एडिट है, ठीक है, व्यू है, सर्च है, प्रोजेक्ट है, बिल्ड है. सो ये सब ऑप्शन का अलग अलग यूज है, एक एक करके इसको आप सीखेंगे. सो पहले प्रोग्राम को टाइप कैसे करेंगे? तो फाइल में क्लिक करना है, उसके बाद न्यू में क्लिक करना है. ठीक है, आपको नया फाइल यदि बनाना है, नया प्रोग्राम बनाना है, तो फाइल में क्रिएट करेंगे, उसके बाद न्यू में और एम्प्टी फाइल पर क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ एक आ जाएगा. अब देखिए, यहाँ अनटाइटल टू लिखा है, तो इसको क्या करेंगे? सेव करेंगे. ठीक है, सेव पहले कर देंगे. कैसे सेव करेंगे? फाइल में जाएंगे और सेव फाइल एज. ठीक, सेव फाइल एज पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम देंगे तो सेव हो जाएगा. सो यहाँ पर फाइल का जो आप नाम देंगे वो आ जाएगा. सो उसके बाद आपको प्रोग्राम टाइप करना है, और यहाँ से आप प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन पर करके एग्जीक्यूट रन करेंगे, बिल्ड करेंगे मीन्स पहले कंपाइल और रन दोनों करेंगे, और ये केवल रन के लिए है. सो ऐसे इसको रन करेंगे, बिल्ड एंड रन, यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. तो पहले प्रोग्राम टाइप करेंगे, उसके बाद ही वो कर पाएंगे. सो आपको पहले फाइल में जाना है, देन न्यू में, देन एम्प्टी फाइल. सो एम्प्टी फाइल निकल गया. So in how to type program and execute, so for that we will continue in the next video. So thank you, I hope you will able to install. If you are not able to install, you can ask to your faculty.